Assalamualaikum. I am Dr. Nida Wahid, and today I will start exercise physiology lecture series. So today we will discuss the introduction to exercise physiology. What is exercise physiology? Why we study exercise physiology? What is the difference between physical activity and exercise? And why we study exercise physiology and physical fitness and its type? So first of all, we will discuss the introduction to exercise physiology. What is physiology and what is exercise? If we discussed about physiology is all about human functions. Yani physiology mein hum body ke different systems ko detailed mein padhte hain. Aur agar hum exercise ki baat karein, to any form of physical exertion that can be defined in terms of duration, intensity, mode, frequency is called exercise. So if you love physiology, then it is very interesting subject on the human body physiology during exercise. So if you love exercise, so it is very interesting. Agar aap exercise ko detailed mein pad rahe hain, agar aapko interest hai exercise pe, to aapko pata hona chahiye exercise karte hue hamari body mein kya functions ho rahe hain ya uski physiology mein kya changes aa rahe hain. So it is very important if you love physiology or if you love exercise. So exercise physiology is the study of how body adapts physiologically to the acute stress of exercise or physical activity or the chronic stress of physical training. It means that whenever you are doing exercise training or whenever you are doing exercise or any form of physical activity, what is happening on the body's physiology in the condition of acute stress or in the condition of training. So exercise physiology mein hum bahut hi detailed mein iske bare mein padh rahe hote hain ki exercise करने से हमारे फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं. और एज अ डॉक्टर आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी आप अपने पेशेंट को रिकमेंड कर रहे हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप उनको बता सकें या उनको इस हिसाब से एक्सरसाइज करवाएं कि आप उनको आपको पता हो कि उनकी बॉडी के फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आएंगे, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से फिर आप डील कर सकते हैं. वी हैव डिफरेंट ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम, इंटरग्रेमेंट्री सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम. वी हैव अ लॉट ऑफ सिस्टम्स इन आवर बॉडी. So whenever you are doing exercise, your physiology will be changed. आपके तमाम जो body के systems हैं उन पर changes आएंगे. तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि एक्सरसाइज करने से होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हो रहा है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या चेंजेस आएंगे या मस्कुलर सिस्टम पे क्या चेंजेस आएंगे या आपको जो चेंजेस चाहिए जिसमें सिस्टम पे, आप उसको अचीव कैसे करेंगे किस तरह की एक्सरसाइज से. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज़ ऑलरेडी अ प्लान्ड फिजिकल मूवमेंट जिसका कोई ना कोई मकसद होता है. ड्यूरेशन, टाइम और इंटेंसिटी के हिसाब से हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है. तो आप एक्सरसाइज, आप कोई भी काम, घर का काम कर रहे हैं, आप उसको एक्सरसाइज नहीं कह सकते. आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपकी वो एक्सरसाइज नहीं होगी. एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज प्लानफुल. इसमें आपका जो है प्रॉपर कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कंपोनेंट आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं, जुम्बा है, एरोबिक्स है, स्ट्रेंथनिंग है, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज है. यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. और अगर हम नॉर्मल जनरल एक्सरसाइजेस की बात करें, तो देर आर टू टाइप ऑफ एक्सरसाइज, इज पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव जो कि कोई और करवाते हैं, एक्टिव जो आप खुद से कर सकते हैं. एंड देन एक्टिव के आगे दो टाइप्स हैं, एक्टिव असिस्टेड और एक्टिव रेजिस्टेड. एक्टिव असिस्टेड मीन्स कि कोई आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग एक्टिव एक्सरसाइजेस, एंड रेजिस्टेड मीन्स यू आर डूइंग अगेंस्ट सम पावर. स्टेजेस की हम बात करें, देयर आर थ्री स्टेजेस. नंबर वन इज माइल्ड, सेकंड इज मॉडरेट, एंड थर्ड इज सीवियर.
सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट माइल्ड एक्सरसाइज, तो इसमें आपके बहुत ही माइल्ड चेंजेस आ रहे होते हैं आपकी बॉडी में, कार्डियोवेस्कुलर में सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल वॉकिंग। मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करें तो अब वॉकिंग से आपकी जो है एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और इसको हम मॉडरेट एक्सरसाइज में कंसिडर कर रहे होते हैं, दैट इज़ जॉगिंग। एंड देन आपकी आती है सीवियर एक्सरसाइज, सीवियर टाइप, जिसमें आपके कंप्लीट एक्सर्शन हो रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं रनिंग, स्विमिंग, यानी अब आप क्या करें अपनी बॉडी को और चैलेंज करें, आपने सीवियरिटी बढ़ा दी है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। हम ना कहते हैं बहुत फ़ायदा हो रहा है एक्सरसाइज का, बहुत फ़ायदा हो रहा है, बट क्या फ़ायदा हो रहा है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। जो अगर हम जनरल बेनिफिट्स की बात करें तो नंबर वन इज़ कि आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे होते हैं, योर बॉडी विल रिलैक्स, यू फील काम डाउन, आपकी जो कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैट डिप्लीशन स्टार्ट हो रहा होता है, एंड आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे होते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बेहतर हो रही होती है, एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी विल इम्प्रूव थ्रू एक्सरसाइज। इसके अलावा अगर हम वो बात करें, वो बेनिफिट्स की बात करें जो हमेशा अंडर रेट हैं, जिसमें आपके आता है स्ट्रेस एन्जाइटी, आपको स्ट्रेस एन्जाइटी से बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं, आपकी फंक्शनल मोबिलिटी बढ़ती है, आपका एनर्जी लेवल बेहतर होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ विल इम्प्रूव, आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, योर सेल्फ इस्टीम विल गेट हायर एंड हायर। सो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपके सारे जो बॉडी सिस्टम्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स डाल हो रहे होते हैं। अब हमने देखा कि एक्सरसाइज क्या होती है, अब हम देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज? एक्सरसाइज इज़ ऑलरेडी अ प्लान्ड मूवमेंट, जहाँ पे आप प्रॉपर जिसका कोई ना कोई पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, आप घर का कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, यानी आपको प्लान नहीं, यानी किसी भी काम करने के दौरान आपकी जो भी एक्टिविटी, आप क्लीनिंग करें, मोपिंग करें, कोई भी एक्टिविटी करें, उसकी वो सारी एक्टिविटी इज़ included in physical activity category. तो आपका कोई भी जो काम है आपका किस एक्टिविटी में इंक्लूड होता है, फिजिकल एक्टिविटी में। सो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, बोथ आर नॉट सेम। सो अगर कोई कह रहा है कि मैं घर का काम कर रहा हूँ तो मेरी एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है, सो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर एक्सरसाइज रिजीम। एक्सरसाइजेस आर डिफरेंट, एक्सरसाइज हैव मोटिव्स, उसमें कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई रीजंस के लिए करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपके सारे जो भी रूटीन में आप काम करें वो सब इंक्लूडेड है फिजिकल एक्टिविटी में। आप एक्सरसाइज को कह सकते हैं कि इट्स अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को आप कंसीडर नहीं कर सकते एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज करने के हमारे पास फिट फॉर्मूला होता है, फिट एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, आई मीन्स इंटेंसिटी, टी मीन्स टाइम, एंड नेक्स्ट टी मीन्स ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ सेशन पर वीक, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू एक्सरसाइज फॉर 4 days पर वीक, 5 days पर वीक, 7 days पर वीक, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी डिग्री ऑफ एफर्ट यू पुट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी मॉडरेट, इट कैन बी सीवियर। टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन आपकी कोई भी एक्सरसाइज का, इट कैन बी 10 minutes, इट कैन बी 15 minutes, इट कैन बी 30 minutes, और इट कैन बी 1 or 2 or 3 hours। सो पर डे दैट इज कॉल्ड टाइम। टाइप एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस यू हैव। सो उसमें आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, दैट इज कॉल्ड टाइप। तो हमारे पास जो फिट फॉर्मूला होता है वो एक्सरसाइज को डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी पे एक्यूट रिस्पांस होता है। एक्यूट रिस्पांस इस कि जो फ़ौरन से आपकी बॉडी में रिस्पांस हो रहा है। तो जैसे आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेडमिल पे आप रन कर रहे हैं 1 घंटे तक, या कोई भी स्ट्रेंथनिंग जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, तो जो फॉरेन से जो आप एक्सरसाइज, कोई भी जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा है फॉरेन से, डैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एक्सरसाइज, और उसका जो फॉरेन से रिस्पांस आएगा डैट इज़ कॉल्ड एक्यूट रिस्पांस। यानी जो आप एक्सरसाइज आपने स्टार्ट की, योर फर्स्ट डे, तो एक्यूट एक्सरसाइजेज है, और आप जो उसमें
रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी बॉडी पे, दैट इज कॉल्ड एक्यूट रिस्पॉन्स. और अब आप जो एक्सरसाइज अगर आप लॉन्ग रन पे कर रहे हैं तो फिर वो एक्यूट रिस्पॉन्स नहीं है, वो अडेप्टेशन की कैटेगरी में चला जाता है. जैसे आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो आपका सबसे पहले ब्रीथिंग रेट चेंज होता है, उसके बाद आपका हार्ट रेट चेंज होता है, देन उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हमारी जो एक हार्ट बीट है उसमें जो वेंट्रिकल से जितना ब्लड पम्प आउट हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. आपका बीपी रेज होता है, आपका टेम्परेचर रेज होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन एक्यूट रिस्पॉन्स. इमीडिएट रिस्पॉन्स भी हम इसको कह सकते हैं, यानी इसमें आपका हार्ट रेट है, आपका रिस्पायरेटरी रेट है, आपकी आपका बीपी है, ब्लड जो है आपका क्या होता है विसरल ऑर्गन से की तरफ के बजाय आपकी जो वर्किंग मसल्स है अपर लिम लोअर लिम या जो भी चेस्ट मसल्स हो जहाँ पे भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उनकी तरफ आपका जो है ब्लड वहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज हो रहा है एंड ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड एक्यूट रिस्पॉन्स और इमीडिएट रिस्पॉन्स. अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स और अडेप्टेशन में क्या फ़र्क है. शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है और शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होता है, यानी शॉर्ट टर्म स्टिमुलस की वजह से, दोनों स्टिमुलस की वजह से हो रहे हैं. अगर आप लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म हमने तो डिस्कस कर लिया जो फ़ौरन से हो रहे हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स की बात करें डैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. उसमें एक्यूट अडेप्टेशन भी है एंड क्रॉनिक अडेप्टेशन भी है. जो लॉन्ग रन में है यानी आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें या आपकी हैबिट है एक्सरसाइज करना, डैट इज कॉल्ड क्रॉनिक अडेप्टेशन. अच्छा, अगर हम डिस्कस करें व्हाई वी स्टडी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द benefits of exercise on different physiological systems as we already discussed the body systems. उसके अलावा हम बात करें तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या होता है एंड हाउ इट कैन हेल्प इन योर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस. फिर आपके जो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, वो आपकी बॉडी के फिजियोलॉजी में कैसे चेंजेस ला रहे हैं, और अगर आपको कोई भी सिस्टम से वर्क चाहिए या आपको कोई भी इस तरह के आप फ़ायदा चाहते हैं, कोई भी अडेप्टेशन आप चाह रहे हैं कि जो आप चाहते हैं कि आप अचीव कर सकें कोई भी बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर आपको जो फंक्शन चाहिए तो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी आपका इन्वायरमेंट है आपकी बॉडी पे आपकी फिजियोलॉजी में ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या इम्पैक्ट कर रहा है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ फिजिकल फिटनेस एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन योर बॉडी. डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस में हम क्या करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं. तो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा हम इस चीज़ पर काम करते हैं कि हम डिफरेंट परफॉर्म जब हम एक्टिव ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो डैट इज़ इंक्लूडेड इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम अपनी हेल्थ अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, what is therapeutic effects of exercise, यानी अगर हम एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट में बात करूँ तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सरसाइज है उसके कौन से थेरेपोटिक इफेक्ट्स आएंगे, क्या एक्सरसाइज आपकी बॉडी को और डैमेज तो नहीं कर रही है, क्या ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी के सिस्टम फिजियोलॉजी को बेहतर बना रही है या कम कर रही है. तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये डिटेल्ड पता हो. इसके अलावा हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है परफॉर्मेंस पे. वी हैव डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड एक्सेट्रा, डेरी, हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन योर हेल्थ. सो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की कैटेगरी में. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब भी आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं या आप अपने पेशेंट को डील कर रहे हैं या एक्सरसाइज बता रहे हैं या आप ऐसा अगर हम देखें एज अ इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. देन वी विल टॉक अबाउट फिजिकल फिटनेस. जब भी हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट योर जनरल हेल्थ. फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी डेली लिविंग है, आप जो भी काम कर रहे हैं या आप जॉब हैं या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप कितना आप
अच्छे से कर लेते हैं विदाउट एक्सर्शन, यानी आप बगैर थके हुए आप उसको कितना अच्छे से कर लेते हैं, डैट इज़ इंक्लूडेड इन फिजिकल फिटनेस। यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आप आते हैं 2 घंटे आप स्पोर्ट्स खेल लेते हैं तो, और आप थक नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, तो योर फिजिकल फिटनेस लेवल इज़ गुड। तो हम इस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फिजिकल फिटनेस कितना अच्छा है। यानी हम कोई भी अपनी बॉडी पर जितना भी एग्जर्शन डाल रहे हैं और हमारे बॉडी फटीग में नहीं जा रही है, तो हमारी फिजिकल फिटनेस जो है, हमारी ओवरऑल हेल्थ है, वो क्या है, बेहतर है। और हम उसी को ही फिजिकल फिट कहेंगे जो बहुत अच्छे से कर लेता है। अब हमारी जो फिजिकल फिटनेस की बात करें तो इसके 2 डोमेन्स हैं। नंबर 1 इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड देन परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। सो वन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द कैटेगरी ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। नंबर 1 इज कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, सेकेंड इज बॉडी कंपोजिशन, थर्ड इज मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड देन मस्कुलर इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सीबिलिटी। वी विल डिस्कस वन बाई वन। एरिया ऑफ फिटनेस की बात करें यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस, सो देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज एजिलिटी, बैलेंस, कॉर्डिनेशन, मूवमेंट टाइम एंड देन पावर एंड स्पीड। So first we will discuss health related fitness, cardiovascular fitness, यानी आपकी जो हार्ट की एक्टिविटी है और आपके जो ब्लड का है वो कितना ऑक्सीजन जो है प्रॉपर आपकी जो है पूरी बॉडी में सप्लाई कर पा रहा है लंग ईजीली। तो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस हमेशा हम कहते हैं जितना आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, बेसिकली इसको हम कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस कह रहे हैं। हार्ट अच्छे से क्या काम करता है, बगैर थके हुए, बगैर हार्ट पे ओवरलोड किए हुए आपकी जो पूरी बॉडी है जब भी एक्सरसाइज करी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच रहा है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आ रहा है और आपके हार्ट को जो काम कर रहा है बहुत ज़्यादा हार्ट पर लोड नहीं पड़ रहा है। डैट मीन्स डैट आपकी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी आपके सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स जो सिस्टम्स का है उसका ओवरऑल जो रिस्पॉन्स हो आता है आपकी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो और वो बेहतर है। तो फिर आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, ये बहुत ज़्यादा आप थक नहीं रहे, क्योंकि अगर आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा वर्क कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आप फटीग में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी आपकी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस अच्छी होगी आप उतने फटीग लेवल आप में कम होगा। अगर हम देखें हमारे पास जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आती हैं, इसके लिए हम देखें ना हमारे पास फिजिकल फिटनेस के लिए जो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस के जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसको हम एरोबिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसमें आप ऑक्सीजन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, बाइकिंग, स्विमिंग, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आप ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो बॉडी कंपोजिशन की बात करें, BMI, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी हाइट के हिसाब से आपकी बॉडी का वेट होना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें जो है प्रोटीन का, आपकी बॉडी में प्रोटीन यानी मसल्स का अमाउंट ज़्यादा होना। आपको पता है मसल्स हमारे पास प्रोटीन है, और फैट का अमाउंट कम होना। तो नेचुरली अगर हम बात करें तो फीमेल्स में फैट्स का अमाउंट नेचुरली ज़्यादा होता है, 14% से 31% ज़्यादा होता है, और मेल्स की बात करें तो 6% से 24% फैट इज़ नॉर्मल। अब क्या होता है, अगर आपकी बॉडी मास आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट लिया जाता है, मेजरमेंट्स निकाली जाती हैं और देखा जाता है कि आपकी जो बॉडी मास इंडेक्स है इसमें फैट्स का अमाउंट कितना है। अगर फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आएंगे, और अगर आपका नॉर्मल है तो यहाँ पे आपके पास रीडिंग्स दी गई हैं। अगर आप अंडरवेट हैं तो 18.5 से कम आएगा, नॉर्मल है तो 18.5 से 24.9 की कैटेगरी में आ रहे हैं, एंड देन उसके 25 से अबव होगा तो आप ओवरवेट, फिर ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2 एंड देन एक्सट्रीम ओबेसिटी। जितना आप नॉर्मल वेट से आप एक्सीड करते जा रहे हैं तो आप में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिजीज़ की तरफ, जो बीमारियां हैं उनकी तरफ आप क्या करते जा रहे हैं, आपका जो चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी बहुत जल्द आप प्रोन टू डिजीज़ हो सकते हैं। बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो बॉडी कंपोजिशन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में फैट का अमाउंट कम कर सकते हैं। फैट का अमाउंट कम करने के लिए आपको अपनी डाइट को बेहतर रखना पड़ेगा। डाइट को बेहतर करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, आप या तो प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा लें, फैट कम लें, और साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज ज़्यादा रखें, ये भी कर सकते हैं, या आप कैलोरी डेफिसिट में भी बॉडी को लेकर जा सकते हैं। और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज को अगर आप इनटेक ज़्यादा रखेंगे तो इसकी बेसिस पर आप कैलोरीज कम ले
रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो फैट का अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी इसको एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करेगी। देन वी विल डिस्कस मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ बेसिकली हाउ योर मसल्स वर्क एफिशिएंटली अगेंस्ट अ फोर्स, अगेंस्ट अ एफर्ट इज कॉल्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब आपके मसल्स जितने अच्छे होंगे, जितना उनमें पावर होगा, जितना उनका साइज एंड एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना उन आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है कि कोई भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप जो वेट अगेंस्ट आपके मसल्स जो हैं वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ। Then we will discuss muscular endurance. Muscular endurance basically आपका जो muscles हैं, ये group of muscles हैं, how it works efficiently or effectively against repetitive contractions. यानी आपके जो स्ट्रेंथ की बात करें तो आपकी जो फोर्स के अगेंस्ट कितना अच्छे से काम कर पा रहे हैं, और इसमें जो है रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन जितनी अच्छी होंगी उतनी आपकी जो मसल इंड्योरेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगी। देन वी विल टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को हम मोबिलिटी भी कह सकते हैं। हम कहते हैं कितना फ्लेक्सिबल है यार, ये कितने अच्छे से काम कर लेता है। तो फ्लेक्सिबल बेसिकली क्या होता है कि हाउ योर मसल्स और हाउ योर जॉइंट्स फ्रीली मूव ईजीली, उसमें उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो रही। हम कहते हैं बच्चे कितने फ्लेक्सिबल हैं, तो उसमें ये कि उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ईजिली उनके जो मसल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो रेंज ऑफ मोशन, बेसिकली आपका कोई भी जॉइंट है उसकी एक रेंज होती है प्रॉपर, उसका जो भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपकी जो भी जो डिस्टेंस उसने मूव करना स्टार्ट करेगा जहाँ पे एंड होगा, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मोशन। आफ्टर दैट मोबिलिटी, हाउ योर बॉडी मूव विदाउट रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड मोबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, देन एज के साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही होती है, और उसके बाद आपकी बॉडी में फैट का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इट्स ऑल इन द डोमेन ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। देन वी विल डिस्कस परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस। जब आप परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस की बात करें तो आपके पास एथलीट्स आ रहे हैं, आपके पास स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, यानी इससे पहले अगर हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की अगर हम बात करें तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब की कैटेगरी में हमारा हम सबको होना चाहिए। और परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस की बात करें तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स मैन हैं, एथलीट्स हैं, उन सबको इस डोमेन में प्रॉपर पूरा उतरना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एजिलिटी। एजिलिटी basically how your body's position change effectively and efficiently without a lot of energy requirement. इसमें अगर आप देखें, अगर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अब वो आराम से जो भी एथलीट है वो ईजिली मूव हो रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जो है एनर्जी नहीं लग रही है, उसका जो है वो प्रॉपर ईजिली कर सकते हैं। एजिलिटी लाने के लिए, एजिलिटी के लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी एजिलिटी उतनी बेहतर होगी। देन वी विल टॉक अबाउट बैलेंस, हाउ टू योर एबिलिटी टू स्टे अपराइट और स्टे इन कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट और योर बॉडी कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो बॉडी के बैलेंस की बात करें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और इसमें आप गिर नहीं रहे हैं, आपके बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो रहा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी का, आपके जॉइंट्स का, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम बेसिकली अगर आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास किसी ने कैच करवाई एक बॉल और आप फौरन से उसको जितनी जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन टाइम। यानी आपको स्टिमुलस मिला और आपने उसके हिसाब से रिस्पॉन्स किया, दैट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन टाइम। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट पावर। पावर बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क अगेंस्ट मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट एफर्ट against our resistance is included in power. What exercises do? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक acute adaptation होती है और एक होती है chronic adaptation. जब आप exercise करना start करते हैं तो कुछ time बाद
इट कैन बी 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स. आपकी जो बॉडी की जो जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो उस चीज़ को, उस फिजिकल एक्टिविटी को अडाप्ट कर लेते हैं. डैट इज़ इंक्लूडेड इन एक्यूट अडेप्टेशन. एंड वन एवर यू आर डूइंग ट्रेनिंग्स, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर, और जो भी आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी ने अडॉप्ट कर लिया, रिस्पॉन्स आ गया जो कि आपकी नॉर्मल है, डैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक अडेप्टेशन. ट्रेनिंग से हमें क्या मिलता है? आप ट्रेनिंग हमेशा किसी न किसी रीज़न से करवा रहे होते हैं. ट्रेनिंग्स के प्रॉपर कोई ना कोई मकसद होते हैं, एम होते हैं. और जब किसी भी एथलीट्स को जब आपको ट्रेन करना होता है तो आप उसको ट्रेनिंग के ज़रिए आप उसको गाइड कर रहे होते हैं. फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन विद ट्रेनिंग. फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या हो रहा था? जब भी आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर अच्छे से पहुंचती है बॉडी में, हीट डिसिपेशन प्रॉपर होता है, मोटर कंट्रोल, योर एंड्योरेंस, पावर, हार्मोनल चेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो रहे होते हैं. क्या ये मेडिसिन से पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स ओनली पॉसिबल विद योर प्रॉपर एक्सरसाइज. प्रॉपर एक्सरसाइज का जब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा. अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. उसके बाद हम क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात कर लें, तो क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम देखें तो आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के प्रॉपर प्रिंसिपल्स, नॉलेज और स्किल्स पता होंगे, तो ही आपके पास अगर पेशेंट आ रहा है तो आप उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसकी बेसिस पे आपको, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आपको अगर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिहैब पर्पस के लिहाज से आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे. और डिफरेंट आपको एक्सरसाइज टेस्टिंग होती है, एक्सरसाइज एवेल्युएशन है, एक्सरसाइज इफेक्टिवनेस है, अगर आपको तभी पता होगी तो आप इसको क्लिनिकली इसको फॉलो कर पाएंगे. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो डेवलप होना कैसे स्टार्ट हुई. सबसे पहले जब एक्सरसाइज लोगों ने करना स्टार्ट की तो उसका बॉडी पे इन्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा था, यानी सर्दियों में अलग आ रहा था, गर्मियों में अलग आ रहा था, और आप बहुत जल्दी थक रहे थे, और आपका जो कार्डियो रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट आ रहा था. तो 1960 में फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई. फिर उसके बाद ये स्पोर्ट्स में और एथलीट्स में इसकी इम्पॉर्टेंस स्टार्ट हुई. फिर उसके बाद मेडिकल में थेरेपोटिक लिहाज से एक्सरसाइज का रोल ज़्यादा बढ़ा, और अब आपको पता है कि ऐसा ऐसा अब इसमें रिसर्चेज होना स्टार्ट हो गई हैं, और अब इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स में है. इसके एप्लीकेशन बायोकेमिस्ट्री में, कार्डियोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूट्रिशन, ऑर्थोपेडिक, फिजिकल थेरेपी एंड पल्मोनोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सरसाइज ट्रेनिंग से क्या डिफरेंट हो रही है. कार्डियो में हम इसको डायग्नोसिस, रिहैब पर्पस एंड प्रिवेंटिव केयर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं. एंड एंड्रोक्राइन में भी हम इसको रिहैब के पर्पस पे एंड प्रिवेंटिव केयर में भी यूज़ कर रहे हैं. न्यूरो में हम इसको ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट है, बहुत ही ज़रूरी है ब्रेन के लिए, और उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं. फिर न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है, और एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, क्या डिफरेंस आता है, और इसमें डाइट क्या रोल है. ऑर्थो में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, एज यू नो जब भी एक्सरसाइज करें बोन मसल्स के लेवल पे चेंजेस आ रहे होते हैं. फिजिकल थेरेपी में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का. इसके अलावा चेस्ट में भी इसका फिजियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा रोल है. फर्स्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जॉर्ज वेल्स फिट्स थे, और हार्वर्ड लेबॉर्ट्री हमारी जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लेबॉर्ट्री बनी थी 1927 में स्टार्ट हुई थी. अब जैसे जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है तो फिजिकल एजुकेशन में जो आप एज ए फिजिकल एजुकेशनिस्ट भी काम कर सकते हैं, आप मेडिसिन में, फिजिकल थेरेपी में, रिसर्च में, न्यूट्रिशन, टीचिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या नर्सिंग में भी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का रोल अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और आप इन फील्ड में काम भी कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. If you have any question or query, you can comment in the comment section. If you like my video, subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.